स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, और एक बार ये कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ, है ना। फिर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है 7 बजे का, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, मैं अपना शेड्यूल बता चुका हूँ आपको वैसे भी, ठीक है। बाकी आप 7 बजे अमन सर वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। याद रखिए अपनी जो सबसे मेजर यूट्यूब क्लास है वो यही है, ठीक है। अब इस पूरे महीने आपको 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जो मिलेगा सेशन, इकलौता आपको सेशन जो है मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 बजे ही जुड़ना है। इवन मैं कल भी सेशन लेके आने वाला हूँ 7 बजे, स्टैटिक जीके की सीरीज कल तक पूरी हो जाएगी, पार्ट 3 भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी जो अनअकैडमी क्लास है 11 बजे की जगह 10 बजे होने वाली है आज ही, ठीक है, और रेगुलर फिर 10 बजे हुआ करेगी। तो शेयर कर देना, 10 बजे का लिंक मैं लगा दूंगा, करनी जरूरी है, ठीक है। तो धमाका क्लास 7 PM डेली देखो, हैबिट बनाओ तभी फायदा होगा, ठीक, हैबिट बनाओ उसका फायदा होगा। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर लेने का, सर्च करोगे तो फायदा होगा ना। इंडियन पॉलिटी का पूरा मैराथन अवेलेबल है आपके लिए, फ्री क्लासेस का देख लेना, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्पैक्ट इधर संडे को होगा, आज क्या है, सैटरडे, ठीक, कल आपका 12 बजे है, ठीक है। आप अनअकैडमी में जाके टेस्ट पे जाके लाइव ओपन रेफर कोड यूज करके, ठीक है, अटेम्प्ट करो। देखो एक बार अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आप ही को फायदा है, स्कॉलरशिप का फायदा तो ऑब्वियसली होता है यार, स्कॉलरशिप का फायदा होता है। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके स्कॉलरशिप अनअकैडमी कॉम्बैक 12 बजे हर एक बच्चा देगा जो मुझसे पढ़ रहा है, ठीक है। टॉप एजुकेटर बैच लाइव है, ठीक है। अब देखो टॉप एजुकेटर बैच का फायदा क्या है कि मतलब ये बैच 5 मई से लाइव हो रहा है, पहली तो डेट याद रखो, दूसरा भाई इसको 5 मई से पहले ले लेना लाइव ओमन रेफर कोड यूज करके। हर एक एग्जाम में टॉप एजुकेटर बैच लाइव है और आपकी फीस बहुत कम है, मेजर फोकस कंसेप्ट पे है, फाउंडेशन जो है सभी चीज हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम करना, SSC गोल सिलेक्ट करना, गठन क्लिक करना, मन सिलेक्ट करना, रेफर कोड यूज करना, लाइव अमन इस रेफर कोड से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए सारे के सारे कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। Who discovered the monomer of nucleic acid? Nucleic acid का जो monomer है इसकी discovery किसके द्वारा की गई, इस question का answer क्या है? बड़े अच्छे question में से एक है, पूछा जा सकता है, answer क्या है? देखो आप, अब मैं जो भी क्लास कराऊंगा आपकी लंबी क्लास कराऊंगा, बल्क में क्लास कराऊंगा डेली 7 बजे, और आपके कंटेंट क्वेश्चन सबसे तगड़े होंगे, हर दिन आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो बेटा याद रखिएगा फेबस लेविन जो थे उनके द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियस जो मोनोमर जो है ना उसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, वो डिस्कवर्ड द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, याद रखिए फेबस लेवी के द्वारा की, किसके द्वारा, फेबस लेवी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता, ठीक है, दिमाग रखिए, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन धीरे धीरे उठाओ तसल्ली से, लेकिन क्वेश्चन सारे करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ठीक है, इस क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ डिसअपीयरिंग ट्वीट। देखो पहले कुछ महीनों पहले कुछ ट्वीट्स ऐसे थे वो करने के बाद, ट्वीट करने के बाद डिसअपीयर हो रहे थे, मतलब गायब हो रहे थे, वो ट्वीट उधर से हट जा रहा था। वो स्पेशली एक टाइप था ट्वीट करने का, ट्विटर के द्वारा उसको क्या कहा गया, जल्दी से बताइए ट्विटर के द्वारा उसे क्या कहा गया। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, बताइए इस क्वेश्चन आंसर। ट्विटर के द्वारा उसे क्या कहा गया, बेटा याद रखना है ट्विटर के द्वारा उसे क्या कहा था, फ्लीट्स कहा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फ्लीट्स कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा सकता है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो, शेयर करो मैक्सिमम, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, रेगुलर आओ 7 बजे, अब ये भी नया क्वेश्चन है, क्लियर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत का नया जो है PSU है, ये आप सभी जानते हैं कि ये भारत का नया PSU है। अब सवाल ये उठता है कि इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कौन से स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, इंडिया का प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा कि भाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कौन से स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, बताइए। मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, है डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन यार क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, याद रखना आंसर इसका पिक्सल्स, ठीक है, इसका आंसर पिक्सल्स, स्टार्टअप है पिक्सल जिसके द्वारा जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है लॉन्च करेगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एक और क्वेश्चन बताएगा, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बताइए इसमें से कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ, शेयर करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इसमें से कौन सा बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
7 बजे की इस रेगुलर क्लास में आओ, कल भी परसों भी डेली बेसिस पे 7 बजे इकलौती क्लास जो है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। CF4 इसका आंसर है, ठीक है, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दिमाग पर रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बाकी सभी पोलर है, ठीक। हीमोग्लोबिन किसका एक इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन किसमें होता है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक बेटा। जो भी बच्चा देख रहा है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि भाई हीमोग्लोबिन किसका कंस्ट्रक्ट है, हीमोग्लोबिन किसमें होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़े प्यारे क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो जी, आंसर क्या है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आरबीसी, और कोई दिक्कत की बात नहीं, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, सिंपल सी बात है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होती है, प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होती है, हम एक बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना प्रकाश संश्लेषण का, तो बस हमें ऊर्जा के जो परिवर्तन है, ठीक है, रूपांतरण जो है उसके ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा के रूपांतर पे सवाल आ सकता है, ठीक है, ऊर्जा के रूपांतर पे सवाल आए तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, स्लीपलेसनेस कभी कभी ऐसा होता है, वैसे रात के समय आजकल सभी को ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी बोल रहे हैं, व्हाटसोएवर, स्लीपलेसनेस जो होता है इसका मेडिकल टर्म क्या यूज करते हैं, हम इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कमेंट करिए, क्वेश्चन सोल्व करो, आप क्वेश्चन का एक्सेल देखो, इस 7 बजे वाली क्लास को ही मैं एक मेन क्लास मानूंगा, और इसी क्लास में मैं आपको सबसे उम्दा कंटेंट दूंगा, और डेली बेसिस पे 7 बजे क्लास हो रही है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए, इंसोम्निया इसका आंसर है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, इंसोम्निया इसका आंसर, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है, ठीक है, इंसोम्निया इसका आंसर महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है, शेयर करना बेटा मैक्सिमम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, देखो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को अभी स्किप मारूंगा, बाद में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब आपको पीडीएफ, मैं एक चीज की अश्योरिटी देता हूं, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स पे 100% मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ 7 बजे की क्लास की हमेशा मिलेगी। फर्स्ट इंडियन जूलॉजिकल पार्क जिसने ISO सर्टिफिकेट मिला जिसे, ठीक है, पहला इंडिया का जूलॉजिकल पार्क कौन सा है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। नमस्कार भाई, गौरव भाई, ठीक है, जितने भी आ रहे हो सभी को भाई जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है, पहला जूलॉजिकल पार्क, करंट अफेयर के क्वेश्चन में से एक है, उम्दा क्वेश्चन की भाई पहला जूलॉजिकल पार्क जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, ISO सर्टिफिकेट किसे मिला है, याद रखिएगा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, किसको, करंट अफेयर के सवालों में से एक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है इसे जो है इंडियन जूलॉजिकल पार्क पहला जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं बहुत क्वेश्चन लेके आऊं, हम तसल्ली से क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम जो है ना अभी हम मंडे से करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन एशियन समिट इसको को चेयर किया था, अब को चेयर किया था तो बस इतना सा पूछ रहा है कि दूसरा देश कौन सा था जिसने को चेयर किया था, कमेंट करिए, ठीक है, दूसरा देश कौन सा था जिसने को चेयर किया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई को चेयर किसने किया था, याद रखिएगा, इंडिया के साथ साथ वियतनाम। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों करा रहा हूं, ये को चेयर भी किया और इंडिया ने वियतनाम के साथ ना यहाँ पे एक जो है ना पीस मोमेंडम भी किया कि हम एक दूसरे देशों के बीच में क्या बोलते हैं शांति बनाए रखें, पीस मोमेंडम हुआ इंडिया और वियतनाम के बीच में, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीस मोमेंडम किसके साथ हुआ, याद रखना पीस मोमेंडम इंडिया का वियतनाम के साथ हुआ, इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पीस मोमेंडम किसके साथ, वियतनाम के साथ हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, नीला चरित विच वोन द व्यास सम्मान 1992 में, आपको बोलेगा सर इतनी लेट जो इतना दूर का व्यास सम्मान 1992 का पूछ रहे हो, बेटा नीला चरित जो है एक बहुत फेमस कंटेंट है, ठीक है, व्यास सम्मान मिला है लिटरेचर में, किसके द्वारा लिखा गया था नीला चरित, बहुत फेमस है, ठीक है, पेपर में आता है, ठीक है, जल्दी से होते पेपर में आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का शिव प्रसाद सिंह, इसका आंसर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखो, सोल्व करो, 200-300 क्वेश्चन हम आज कर लेंगे, 200-300 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, हमारा स्टैटिक जीके का 500+ का टारगेट जल्दी से पूरा हो जाएगा, फिर हम 7 बजे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे,
सात बजे इलाज है पूरी जीके का, ठीक है, 7 बजे फिक्स टाइमिंग रखो अपना, हाथ 2 घंटे पढ़ के तसल्ली से कवर करें। कह रहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल के मीटिंग के चेयरमैन कौन, याद रखिएगा चेयरमैन पूछा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और गलती से यहां पे सुनना इस चीज को, सवाल को सुनना, अगर यहां पे चेयरमैन की जगह डेप्यूटी चेयरमैन कहता ना कि भाई डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, ठीक है, कहता डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, तो उसका भी इलाज है। डेप्यूटी चेयरमैन अगर बोले तो बेटा याद रखना आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसी के डेप्यूटी चेयरमैन कौन हो सकते हैं, ठीक है, इसी के डेप्यूटी चेयरमैन कौन हो सकता है, तो आरबीआई के गवर्नर याद रखना, ठीक है, शक्तिकांत दास। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन फ्लू कॉसेस द मिनिमम एनवायरमेंट, सबसे ज्यादा प्रदूषण कम कौन, ठीक है, मतलब सबसे कम प्रदूषण कौन सा फैलाएगा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, के बेटा शेयर करना बताना इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे कम प्रदूषण कौन सा फैलाएगा आपके हिसाब से, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, सबसे कम प्रदूषण कौन सा फैलाता है। अब यार इधर तो हाइड्रोजन ऑप्शन में दे रखा है, इधर तो हाइड्रोजन ऑप्शन में दे रखा है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, हाइड्रोजन पूछ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से कम पोल्यूशन कोई और नहीं फैलाता, हाइड्रोजन इज वेरी क्लीन जो है, ठीक है, सोर्स ऑफ, ठीक है, एनर्जी, तो भाई हाइड्रोजन इसका आंसर पूछा सकता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है आमतौर पर प्राथमिक रूप में क्या काम करता है बताइए, है ना, जल्दी से बताओ, शेयर करो, सेशन पूरा देखो, अगर आप इस क्लास में आए हो पूरा सेशन देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं आज और कल में आपका स्टैटिक जीके पूरा हो जाएगा, और फिर हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी 7 बजे करेंगे, डेली टाइमिंग 7 बजे रखी है मैंने, ठीक है, फिक्स कर दी मैंने टाइमिंग, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है बेटा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है ना वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, ठीक है, याद रखें, आसान है वैसे, कुछ है भी नहीं, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी, कि भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, अब भाई ये भी क्वेश्चन खतरनाक ही है, कर लेते हैं, लंबा है इसका मतलब ये नहीं छोड़ेंगे, इसमें से कौन सा नॉन मेटल का आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल को डिटेक्ट करने के काम आता है, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, बताएंगे कि भाई इसमें से कौन सा जो है नॉन मेटल है, आइसोटोप है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है, नया क्वेश्चन, ठीक है, बताइए क्या यूज करने में आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए, सॉल्व करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में मुश्किल हो जाते हैं कईयों के लिए, याद रखें क्रिप्टन को यूज किया जाता है, क्रिप्टन जो है यूनिक है भाई, सब जानते हैं नॉन मेटल यूनिक है, आइसोटोप जो कि क्या है न्यूक्लियर फ्यूल को डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, हाँ जी, हीमोग्लोबिन किसका इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हीमोग्लोबिन होता किसमें, ठीक है, पार्टिसिपेट करो, पूरी क्लास देखो, मजा आ जाएगा इस क्लास में, और डेली हो रही है 7 बजे फिक्स टाइमिंग, 7 बजे का सेशन डेली होता है, ठीक है, रेगुलर चल रहा कंटेंट। आंसर क्या है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यार करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटल इनोवेशन मिशन आप सभी सुने होंगे, ठीक है, साइरस इनोवेशन प्रोग्राम अभी सुन लो, ठीक है, ये इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए और किस देश के स्टूडेंट्स के लिए बताइए, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, साइरस इनोवेशन प्रोग्राम, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है, इंडिया और कौन से देश के, ठीक है, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपडेटेड करंट अफेयर हमें पता होना चाहिए, अपडेटेड करंट अफेयर हमें पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बेटा याद रखें, हमारा देश मित्र देश कहीं ना कहीं रशिया ही रहता है, तो हम ऐसी चीजें रशिया के साथ ही करना पसंद करते हैं, जो एजुकेशन हो, न्यूक्लियर हो, ठीक है, व्हाटसो एवर हो, ठीक है, हम रशिया के साथ ही करते हैं, तो बेसिकली रशिया इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। योजिदा शुगा कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है, इनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया, बताइए, ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर सारे हो जाएंगे, ठीक है, इवन साइंस का भी इलाज निकल चुका बेटा, अभी अन अकेडमी क्लास होगी उसमें कर देंगे सारा कुछ। एक ना रात को 10 बजे लूसेंट सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ अन अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उस लूसेंट सीरीज में सब कुछ कवर करेंगे साथ के साथ। जापान इसका आंसर है, ठीक है, जापान इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ये तो आसान है, ठीक है दिमाग को रखिएगा, ठीक है आंसर क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन है कि भाई ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता भाई, बेसिक क्वेश्चन में से एक है, काम के क्वेश्चन में से एक है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लेडेनस्ट्रेन इसका आंसर, लेडेनस्ट्रेन इसका आंसर है, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है लेडेनस्ट्रेन ने की थी, बेसिक क्वेश्चन है आसान भी है, ठीक है क्वेश्चन देखिए, देखो डिस्कवरी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सही नहीं मैच कर रखा, बताइए कौन सा सही मैच नहीं कर रखा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है जल्दी से बताइए, बेसिक है, अगर कह रहा है हीमोग्लोबिन स्किन, तो भाई हमें तो नहीं लगता हीमोग्लोबिन का किसी भी तरीके से स्किन से कुछ लेना देना, आरबीसी से लेना देना है और किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है हीमोग्लोबिन का, बाकी विटामिन सी स्कर्वी है, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में होता है और फैट बटर में होता है, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन हीमोग्लोबिन स्किन गलत है, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, 7 बजे रेगुलर जुड़ोगे तो आप सब कुछ करोगे, मैं आपको एक ही यूट्यूब क्लास बोलता हूँ कि बस मैं एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ, वो है 7 बजे और डेली इवन सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 7 बजे ही फिक्स रखो अपना टाइम वाईफाई स्टडी चैनल पे, ठीक है याद रखिएगा, हां जी यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के रिसेंटली क्या बनाएंगे, कमेंट करेगा यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के रिसेंटली क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का रिसेंटली क्या बनाएगा, क्या जानते हो, ठीक है आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बदल दिए गए, ठीक है और इंफॉर्मेशन कमीशन तो है ही, ठीक है इंफॉर्मेशन कमीशन तो है ही है, ये बना दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर भी बदले गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 3-4 अपडेटेड पोजिशन है, बताइए पहला स्पेस वॉर ड्रिल इंडिया स्पेस एक्स जो है कौन से शहर में इसको बनाया गया, जल्दी सोचे कौन से शहर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है पहला स्पेस ड्रिल है इंडिया स्पेस एक्स, ये कौन से शहर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सोल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है पूछा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है याद रखिये इंडिया स्पेस एक्स, बेटा मैंने 5 बजे वाली क्लास 10 बजे वाली क्लास दोनों क्लासेस बंद कर दी है, सब कुछ इसी क्लास में कंटेंट डालूंगा, ठीक है सारी बंद करके इसी क्लास में आओ सीधा, ठीक है एक क्लास पढ़ो तसल्ली से, ठीक है ज्यादा क्लासेस लोगे ना वो भी दिमाग खराब करता है, एक क्लास लो जिसमें हम एक साथ पढ़ने, न्यू दिल्ली बनाए गए, ठीक है कहां पे, अगर मैं इंडिया स्पेस एक्स के बारे ना ड्रिल स्पेस वॉर जो है ड्रिल बनाया गया, ठीक है ये कहां पे न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया इसको, ठीक है अच्छे क्वेश्चन में से एक है, करंट वगैरह भी पूछा सकता है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल में हाल फिलहाल में प्रदूषण से, ठीक है झूझती हुई नदी का नाम बताइए कौन सा है, ठीक है बताइए, ठीक मतलब एनजीटी ने कंसर्न दिया है कि भाई ये नदी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो प्रदूषण के कारण से ये नदी जो है जहर बन जाएगी, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है कौन सा नदी है जिसके बारे में एनजीटी हाल फिलहाल में अपना कंसर्न जताया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है देखो एनजीटी ने, देखो हम सभी जाते हैं गंगा के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है गंगा के लिए पूरे प्रोजेक्ट तैयार है, पूरी स्कीम चली हुई है और जमुना के भी बड़े बुरे हाल है, ठीक है याद रखिएगा गंगा के लिए जो चल रहा है वो तो एनजीटी ने बहुत पहले कह दिया था, है ना गंगा के लिए जो चल रहा है वो एनजीटी ने बहुत पहले कह दिया था, ठीक है दिल्ली की जो जमुना है इसके भी बड़े बुरे हाल है, ठीक है दिमाग में, इसलिए जमुना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है याद रखिए, एक और क्वेश्चन देखिए विद स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटली, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का, बर्ड यूजली है बर्ड सिंगल, ठीक है बर्ड में पक्षियों में आमतौर में क्या चीज जो होती है वो सिंगल होती है, ठीक है बताइए पंक्षियों में आमतौर पर क्या जो है वो सिंगल होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है याद रखें पंक्षियों में आमतौर पर क्या सिंगल होता है, ठीक है ओवरी ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ओवरी सिंगल होती है, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन के मतलब ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाए तो ये ट्रांसमिशन हो सकता है, कौन सी बीमारी, ठीक है ब्लड के ट्रांसमिशन से जा सकती है बताइए, ठीक है शेयर करना शेषों को बताना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है डेली 7 बजे क्लास करेंगे आंसर क्या, अब इसमें एचआईवी एड्स लिखा हुआ, एचआईवी एड्स लिखा है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है क्या इसका आंसर होगा, एचआईवी एड्स लिखा हुआ ऑप्शन है क्या इसका आंसर होगा, चलो बेटा बिल्कुल होगा, एचआईवी एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ठीक है एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्ति
ठीक है, बेसिकली जो है ब्लड से अगर ट्रांसमिशन हो, वैसे ही नहीं है, टच करने से नहीं होता है एचआईवी कभी भी, कुछ लोगों की गलत धारणा है एचआईवी टच करने से होता है, ऐसा नहीं होता, वो ब्लड ट्रांसमिशन से ही होता है, ठीक है, इकलौता केस वही है ब्लड ट्रांसमिशन। एक और क्वेश्चन है, देखो अगर हेरिडिटरी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, प्रोसेस पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, किसके थ्रू जाते हैं ये नहीं पूछ रहा, प्रोसेस पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना फिर बताना, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है, याद रखें प्रोसेस अगर पूछ रहा है तो बेटा आंसर क्या होगा, जेनेटिक, ठीक है, पूरी प्रोसेस अगर पूछ रहा है जेनेटिक, और किसके थ्रू हुआ ये पूछे तो जीन्स होगा, ठीक है, किसके थ्रू अगर पूछे कि भाई ये किसके थ्रू होगा, ठीक है, ट्रांसफर जीन्स डीएनए कुछ भी ऑप्शन में दिया तो लगा सकते हो, प्रोसेस जेनेटिक्स है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ये करंट अफेयर है भाई, मैं ज्यादातर देखो मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ करंट अफेयर में, क्योंकि पेपर में सब करंट अफेयर है, 7 बजे आपको सब कंटेंट मिल जाएगा A to Z, कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है गगनयान लॉन्च व्हीकल, ठीक है, गगनयान प्रोजेक्ट चल रहा है इसरो का, है ना, अब कौन सी कंपनी को ये टेंडर दिया गया कि गगनयान लॉन्च व्हीकल जो है टेस्ट की डिलीवरी करे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गगनयान लॉन्च व्हीकल जो है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है लैरसन एंड टर्बो, कभी कभी ना इसे LNT के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, LNT के नाम से जाना जाता है, दिमाग रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हो गया क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछा सकता है, ठीक है बेटा, पोर्ट्रेट ऑफ पावर ये ऑटोबायोग्राफी है किस व्यक्ति की, जल्दी से कौन से फेमस व्यक्ति है जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, कमेंट करिए, पोर्ट्रेट ऑफ पावर किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ पावर जो है, ठीक है, दिमाग पर रखिए किसकी ऑटोबायोग्राफी, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, मस्त तरीके से बताओ इस क्वेश्चन आंसर क्या है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, याद रखिए एनके सिंह, अब एनके सिंह भी फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रैबिस किसकी वजह से होता है, ठीक है, वायरस है, रैबिस एक वायरस है बेटा, सब जानते हैं वायरस है, अब वायरस ये जो रैबिस का है ये किसके थ्रू होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, मुझे लग रहा है फोन को भी वायरस हो गया है, ठीक है, बताइए रैबिस वायरस किसके थ्रू होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, बड़ा आसान है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, एंजाइम हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, एंजाइम किसमें हेल्प करता है, अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एंजाइम के एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रिप्सिन और ये सब जितनी जो चीजें हैं वो किसमें काम करती है, एंजाइम किसमें काम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सोल्व करो भाई, सोल्व करो जल्दी से बताओ आंसर क्या है, शेयर करना सेशन को, 7 बजे डेली टाइमिंग रखो अपनी, अगर रेगुलर जुड़ोगे ना बहुत काम आएगी क्लास, बहुत काम आएगी, 7 बजे फिक्स टाइमिंग रख लो, बहुत कुछ सिखा दूंगा इसमें, 1 महीने में जीके रिवाइज, डाइजेशन ऑफ फूड इसका आंसर है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट हैज बिकम द फर्स्ट एवर टू ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब, बताएगा कौन सा इसमें से स्पोर्ट्स इवेंट है जो पहली बार यूट्यूब पे लाइव किया गया, मतलब यूट्यूब पे लाइव किया गया था, बताइए कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, ये करंट अफेयर अपडेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दुनिया का आज तक पहला स्पोर्ट्स इवेंट जो कि क्या है यूट्यूब पे लाइव किया गया, आज तक यूट्यूब पे लाइव नहीं हुआ, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होती है चैनल्स पे लेकिन यूट्यूब पे लाइव नहीं हुआ आज तक, ठीक है, बताइए कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, IPL 3rd, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री व्हीकल इज C-45, ठीक है, जो कि सूरत में कमीशन किया गया, किस तरीके का मिलिट्री व्हीकल है, अलग टाइप ऑफ मिलिट्री व्हीकल में पूछ रहा है कि भाई ये कैसा मिलिट्री व्हीकल है, जल्दी से बताइए कौन सा मिलिट्री व्हीकल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा मिलिट्री व्हीकल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से, ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इंटरसेप्टर बोट इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंटरसेप्टर बोट इसका आंसर है,
इन एडिशन टू नाइट्रिक एसिड अनदर एसिड विच में भी रेंडर आयरन, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, जल्दी से बताइए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, अब इसमें से देश में सभी में से तो एक क्लियर कट दिखाई दे रहा, हाँ भाई एक तो है, और कौन सा है, चाइना है, इतना लंबा लिख दिया साथ में चाइना लिख देते छोटा सा तब भी समझ आता कि हाँ भाई चाइना ही है, ठीक है, चाइना परमानेंट मेंबर, हम क्या है, अस्थायी सदस्य है, वी आर नॉन परमानेंट मेंबर फॉर टू इयर्स, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर रहते तो है ना, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या, 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल लास्ट ईयर का कहां पे हुआ था, अच्छा ये अभी भी अपडेटेड क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि जो ऐसे फेस्टिवल नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल हो गए, ये सब सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, ये सब सवाल बहुत आते हैं, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है लास्ट ईयर का कहां पे हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, सॉल्व करो आंसर क्या, स्टूडेंट अगर रेगुलर आ गए ना 7 बजे वाली क्लास में, आने वाले 20 दिन तक भी फिक्स टाइम ही रख रहा हूँ, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एक ही क्लास 7 बजे, जुड़ना बंद बोलना, कोई और क्लास नहीं कराऊंगा, 5 बजे नहीं है क्लास, 10 बजे नहीं है क्लास बेटा, 7 बजे जो क्लास है, ठीक है, मेन चैनल पे, अगरतला इसका आंसर है, हाँ जी, इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है, बताइए कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है, ठीक है, मेटलॉइड मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की, ठीक है, प्रॉपर्टीज दिखाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शेयर करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो मेटलॉइड है, चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सभी के सभी है, हमें एक चीज करनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल में एक बारी जरूर देखिएगा मेटलॉइड की पूरे एलिमेंट्स, क्योंकि कोई सा भी पूछ लेता, अभी तो अपन लोग तीनों के तीनों कह रहे हैं, इसके अलावा भी है मेटलॉइड्स ना, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको मंडे से कराऊंगा इसी टाइमिंग पे 7 बजे। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की अगर मैं बात करूं तो भारत का आज तक का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर फेयर जो है किस देश में हुआ, भारत का आज तक का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर फेयर किस देश में हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत का आज तक का बेटा पीडीएफ मैं अश्योरिटी देता हूं, मैं आपको अपनी 7 बजे वाली क्लास की पीडीएफ जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक ही क्लास कराना तो बच्चा यही पढ़ेगा, और इसी क्लास में हम पीडीएफ भी दे देंगे तो आपकी रिविजन होती रहेगी फुल, बैंगलोर इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, अभी इस क्लास की पीडीएफ भी डाल रहा हूं, कल वाले क्वेश्चन की पीडीएफ भी आज ही डालूंगा कमेंट बॉक्स पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज द एक्टिव वोल्केनो, भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन सा, कमेंट करेगा, भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, देखो इकलौता एक्टिव वोल्केनो पे सवाल आ रहा है, अब ये एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार में इकलौता, ठीक, कहां पे, अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में है, स्टैटिक जीके होने दो, 7 बजे आपको अपन लोग ना विद एक्सप्लेनेशन कंटेंट देना स्टार्ट कर देंगे, विद डायग्राम्स विद इमेजेस, ठीक है, 7 बजे होगा वो भी, ठीक है, इसमें से कौन सा होमोजीनियस, होमोजीनियस जो मतलब पूरा मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, आप इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा, बेटा भाई पानी में अगर हम शुगर मिला दें और ये वाटर में मिथेनॉल मिला दे, सिंपल है, वाटर में अल्कोहल मिला दे तो पता थोड़ी चलेगा अल्कोहल कितना है, वो तो असर देख के पता चलेगा, व्यक्ति की हरकतें देखेंगे अल्कोहल कितना डला था, ठीक है, तो होमोजीनियस है ना, वाटर अल्कोहल का कॉम्बिनेशन एक होमोजीनियस होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, वो चीज होमोजीनियस होती है, वाटर और अल्कोहल को मिक्स नहीं, अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक था, ये नहीं करना क्वेश्चन, अच्छा करना है यार ये क्वेश्चन, एक बार देखो खुद बताओ, ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में आगे कर दिया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूछा सकते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसलिए करना है क्वेश्चन, ठीक है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कभी 7 बजे क्लास ना मिल रही हो ना तो यूट्यूब पे एक बार अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, 7 PM अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, आपको 7 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है, सर्च कर लो आज ही कर लेना, चाहे से देख लेना, 7 बजे वाली लिस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है, चलो आंसर क्या है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उसकी लोकेशन के हिसाब से गलत दे रखा है, तो यार ये गलत दे रखा है,
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ना तमिलनाडु में नहीं है, ये भी पता लग जाएगा और भी बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, केरला है, ठीक बेटा याद रखिए केरला है, केरला में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक केरला में है नीलगिरी, लेकिन हमें ना नोकरेक मेघालय में सिंपली फॉल उड़ीसा में दमेंग देंग जो है अरुणाचल प्रदेश में ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसलिए ये भी पता कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आप पूछा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सोलो, भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है। पहला हिंट ये आप बताइए आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा इसमें से ठीक है फ्यूल टाइप है जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बताइए आंसर क्या है, शेयर करेगा बताएगा। देखो यार अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड भारत सरकार ने बैन किया तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता होगा बहुत ज्यादा, तभी तो बैन किया है। तो बेटा किसे बैन किया, कैरोसिन को बैन किया है। ठीक, कैरोसिन को बैन किया है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा आ सकता है, कैरोसिन जो है सबसे ज्यादा इन सभी में से, इन सभी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला कैरोसिन। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, प्लांट डेट ग्रो अंडर द एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन। देखो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए और मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। अब ये कंडीशन किसकी है बताइए, कौन से प्लांट जो है एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्ट कंडीशन में जो है उगाया जाता है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सोल्व करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सा एवरेज टेम्परेचर मॉइस्ट कंडीशन है तो याद रखिएगा मेसोफाइट। ठीक है, अगर मैं इधर कहूं कि भाई पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए तब उगेंगे तो हाइड्रोफाइट, हीट बहुत ज्यादा तब उगेंगे तो हेलोफाइट, पानी बहुत कम हो तब भी उग जाएंगे तो आंसर है जेरोफाइट। तो याद रखिएगा पानी बहुत कम तो जेरोफाइट, पानी बहुत ज्यादा तो हाइड्रोफाइट, धूप बहुत ज्यादा तो हेलोफाइट, और मॉइस्चर और टेम्परेचर एवरेज हो तो मेसोफाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सिखा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं 7 बजे, हमने 7 बजे क्लासेस ले रखी है कि सारा कुछ एक जगह कर लेंगे, एक जगह करेंगे सबको तसल्ली से, 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ेंगे इस क्लास में बस। ठीक है, 7 बजे फिक्स टाइम है डेली क्लास। ठीक है, आज भी कल भी परसों। देखो अगर मैं बात करूं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर जो है भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर भारत सरकार की स्कीम कौन सी है, कमेंट करिएगा आंसर क्या। देखो यार भारत सरकार ने, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी याद रखना। ठीक है, अब कोई कहेगा सर नेशनल सोलर मिशन, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा बचत लैंप योजना। ठीक है, बचत लैंप योजना जो है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, स्कीम जो है स्टार्ट करी थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट करिए, गोफेन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये चाइना ने स्पेस में भेजी। सवाल पूछ रहा है कौन से व्हीकल को यूज करके, मतलब कौन से लॉन्च व्हीकल को यूज करके। ठीक है, कौन से, ठीक है लॉन्च व्हीकल को यूज करके चाइना ने गोफेन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिए, सोल्व करो क्वेश्चन, सोल्व करो, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करने लायक हैं। ठीक है, और पूरी डिटेल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लॉन्ग मार्च 3B का आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन, स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ आर, ठीक है निम्नलिखित में से कौन से अर्थ के स्कैवेंजर्स हैं, कमेंट करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थ के स्कैवेंजर्स हैं, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो मतलब खा लेते हैं फालतू चीजों को, शैवाल इसका आंसर है, स्कैवेंजर्स शैवाल है। ठीक है, दिमाग रखिए शैवाल इसका आंसर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक क्वेश्चन देखिए, पहले स्पीकर, पॉलिटी भी इसी में कवर कर लेंगे, पहले स्पीकर जो है लोकसभा के बेटा कौन, जल्दी से हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, कमेंट करिएगा, हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कुछ बच्चे ना ये चीज सोच रहे हैं कि सर सुबह नहीं पढ़ाओगे क्या, यार सुबह बस एक यूट्यूब क्लास दूंगा, मैंने डिसाइड किया कि अपन लोग एक सुबह यूट्यूब क्लास कर ही लेंगे, रात को एक कर सकते हैं तो सुबह भी एक कर सकते हैं, सुबह भी बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सुबह मैं एक यूट्यूब क्लास लाऊंगा,
वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे लेके आता हूँ, तो सुबह 9 AM पे मैं लेके आने वाला हूँ, मंडे से लाऊंगा, ठीक है, मंडे से लाऊंगा सुबह, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9 AM पे होगी वो क्लास, ठीक है। आंसर है जीवी मामलांतर, इसका आंसर है, ठीक है, जीवी मामलांतर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, पते तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्व महाभारत भगवत गीता विलोम, देखो महाभारत के कौन से पर्व से भगवत गीता विलोम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, महाभारत के कौन से पर्व से भगवत गीता विलोम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, सोल्व करिएगा आंसर क्या होगा इसको, महाभारत के कौन से पर्व से भगवत गीता विलोम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो याद रखें आसान है, ठीक है, भीष्म पर्व से, किसे, भीष्म पर्व से, ठीक है, सब सब जानते हैं भीष्म पर्व, देखो बेरी वेरी डिसीज, ये CHSL का क्वेश्चन है बेटा, CHSL में आ चुका है ये कि भाई जो बेरी वेरी डिसीज है वो किसकी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से बेरी वेरी डिसीज होती है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, याद रखें आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B1, इसका आंसर है विटामिन B1, इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है, विटामिन B1 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जो कि फर्स्ट वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ट्रैक बनाया है, बताइए कौन सा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है जो पहला वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ट्रैक बनाया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ट्रैक कौन सा बनाया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, सोल्व करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा, शेयर करो सारे के सारे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन बनाया, मुंबई बनाया, देखो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुंबई भी पे आ गए, दिल्ली पे अलग क्वेश्चन है कि एनर्जी कन्वर्ट करके बना रहा है, मुंबई पे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इवन नोएडा मेट्रो पे आया है फर्स्ट, ठीक है, ही शी मैन स्टेशन जो है वो भी बताए, ठीक है, हाँ जी, ट्रांसलेशन टेक प्लेस, ये क्वेश्चन का थोड़ा वर्ड गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, स्किप मारेंगे, चलिए बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कुछ क्वेश्चन ना गलत से आ गए थे, इंडिया का पहला इंडिया का जो रैंक है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स करप्शन परसेप्शन में लास्ट ईयर का क्या है, बताइए लास्ट ईयर का इंडिया का रैंक क्या रहा, ट्रांसपेरेंसी जो है इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंक रहा, जल्दी से बताइए बेटा, अगर आप लगातार पढ़ोगे ना इस टाइमिंग पे 7 बजे और फिक्स पढ़ोगे, मतलब तब फायदा होगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन 7 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 80% जो है इसकी रैंक है इंडिया की, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, कौन से यूनियन टेरिटरी इंडिया की 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किए गए, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन, एक कौन सी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सॉल्व करो, उठाओ क्वेश्चन को, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई, याद रखिएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 100% ऑर्गेनिक जो है, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक जो है, ठीक है, डिक्लेयर किया गया, ठीक है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड CDC, इंडिया फेल किया है, वैक्सीनेट नहीं कर पाया, कौन सी डिसीज का, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाए इंडिया, जल्दी से बताइए, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाए इंडिया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सोल्व करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा 10 बजे क्लास स्टार्ट करा दे रहा हूँ अनअकैडमी की लूसेंट सीरीज, जो मैंने 5 बजे लूसेंट सीरीज कहा था ना, वो मैं अब आपको अनअकैडमी पे 10 से 12 पढ़ाऊंगा डेली, ठीक है, रात को 10 से 12 मैं लिंक लगवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मैसेज इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव द अस द सैफरन, सैफरन जो होता है वो किससे मिलता है, कमेंट करिएगा, सैफरन जो है किससे मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे, चलो सोल्व करो जल्दी से,
ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, आंसर है स्टिग्मा से मिलता है, ठीक है सैफ्रन किससे मिलता है, स्टिग्मा से मिलता है। एक और क्वेश्चन देखो, कौन सा इंडियन आर्म फोर्स है जिसने रीकैप आईएससी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है इसको को होस्ट किया है, कमेंट करेगा। रीकैप जो है आईएससी जो रीकैप जो बिल्डिंग प्रोग्राम है इसे होस्ट किया है, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है ठीक आंसर गेस, ये नहीं करना क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का। रॉकेट, अच्छा जी रॉकेट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो है किसके द्वारा बनाया गया, कमेंट करेगा। ठीक है बताइएगा रॉकेट टेम्पल जो है महाबलीपुरम के किसके द्वारा, महाबलीपुरम सुनते ही एक आंसर आ जाता है, क्लियर कट आंसर आता है महाबली नाम सुनते ही। ठीक है अब महाबलीपुरम जो है किसके द्वारा बनाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ऊपर मैंने लूसेंट सीरीज लगा दिया है, रेफर कोड है लाइव अमन, 10 बजे कराऊंगा ये क्लास, लूसेंट सीरीज 10 बजे डेली होगी, 10 PM पे डेली होगी, याद रखिएगा कितने बजे, 10 PM पे डेली होगी 10 से 12। और लूसेंट सीरीज को हम आने वाले 20 दिन में खत्म करेंगे, दोबारा स्टार्ट करा रहा हूं, और अपडेटेड लूसेंट सीरीज 2020 और 2021 की अपडेटेड जो लूसेंट सीरीज है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आज फ्री होगी पूरी, ऊपर लिंक दे रखा है, नोटिफाई करने के लिए रेफर कोड यूज कर लेना, पलवास इसका आंसर लेकिन अभी नहीं, क्लास एंड होने के बाद, ठीक है क्योंकि ये क्लास डेली है ना साथ में, तो इसको पूरा देखो। किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट, कौन सा, मतलब हमारे शरीर में किडनी की गुर्दे की प्रॉब्लम आती है वो किसके प्रदूषण से होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर है कैडमियम की वजह से, कैडमियम की जो ठीक है दिक्कत है, कैडमियम जो है हमारे शरीर में किडनी की प्रॉब्लम करता है, ठीक है बहुत दिक्कत हो जाती है इससे। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन, आर के नारायण किस किताब के ऑथर नहीं है, बताइए आर के नारायण जो है वो किस किताब के ऑथर नहीं है, अच्छे क्वेश्चन में से पूछा सकता है कि भाई आर के नारायण किस किताब के ऑथर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है, टू लीव्स एंड अ बर्ड इसके नहीं है, बाकी बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश टीचर वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सब के जो है, ठीक है दिमाग करके ये क्वेश्चन नहीं करना, बताइए विच स्टेट हैज अपॉइंटेड द राजमनार कमेटी इन 1969, कौन सी स्टेट ने राजमनार कमेटी बनाई 1969 में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है कि राजमनार कमेटी जो है कौन सी स्टेट ने बनाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। ठीक है सोल्व करो सारे के सारे, ठीक है चलो जी राजमनार कमेटी देखो याद रखना, स्टेट का पूछे तमिलनाडु इसका आंसर, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है ये तिनुष्किया एक लोकेशन है जहां पे ऑयल इंडिया मेड अ नेचुरल गैस डिस्कवरी, नेचुरल गैस की डिस्कवरी की गई है। अब ये सवाल पूछा गया तिनुष्किया कौन सी स्टेट में, आप खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया और अपडेटेड है भाई, करंट अफेयर है, पढ़ने पड़ेंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है पढ़ने पड़ेंगे ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि तिनुष्किया जो है बेटा, ठीक है ऑयल इंडिया, ठीक है ने नेचुरल गैस डिस्कवरी करी है किस स्टेट में, अच्छा क्वेश्चन आंसर क्या बेटा इसको, आसाम इसका आंसर, ज्यादातर जो ऑयल की डिस्कवरी है गैसेस की डिस्कवरी है वो इधर ही की जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बादिन फेस्टिवल स्नान यात्रा, ठीक है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, कमेंट करिएगा, स्नान यात्रा जो है बाथिंग फेस्टिवल किस स्टेट का है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है उड़ीसा इसका आंसर है, ठीक है उड़ीसा इसका आंसर पूछा जा सकता है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखो, कौन सा इसमें एक्सेप्टर है, कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर, देखो एक्सेप्टर की बात करूं ना सिंपल ए बी, ए बी और ओ, ये ओ ए बी को भी देता है यहां से भी यहां से भी, तो कहने का था ए बी तो सबसे ले सकता ना, ए बी सबसे ले सकता है, तो आंसर क्या है ए बी। अब दिक्कत की बात यह है एक्सेप्टर में पूछ रहा है और एक ये माइनस दे रखा और एक ये प्लस दे रखा है, दिक्कत यहां पे होगी। ठीक है बताइए माइनस होगा ए बी या प्लस होगा ए बी, कमेंट करिए, मुश्किल बताइए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला गया है, ठीक है प्लस होगा या माइनस होगा, यहां पे इस क्वेश्चन में खेल हो गया। ठीक है
याद रखिएगा जब भी बात आती है ना तो प्लस वाला हमेशा ले सकता है सभी से, याद रखना भूलना मत, प्लस वाला हमेशा सभी से ले सकता है ठीक है, और माइनस वाला हमेशा सभी को दे सकता है ठीक है। वैसे ए भी दे नहीं सकता किसी को ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं कि माइनस वाले ही सबको दे देते हैं ठीक है, याद रखिएगा ठीक है, याद रखिएगा ए बी प्लस इसका आंसर होगा। ए बी तो वैसे किसी को नहीं देता, ही डोनेट नहीं करता ए बी कभी भी ठीक है। एक और क्वेश्चन ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर दे, पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी पे काम करे, कमेंट करेगा, शेयर करना, सेशन को लाइक करना, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डेली 7 बजे क्लास पढ़ना है तो भैया एक समय में पढ़ो, ये क्लास करने के बाद सीधा 10 बजे अपना क्या है लूसेंट सीरीज में आ जाओ। अन अकेडमी की लूसेंट सीरीज बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलेगी, आज से 10 बजे स्टार्ट कर रहा हूं अन अकेडमी पे, ये रेफर कोड है, लिंक नोटिफाई कर लेना, 10 बजे क्लास लेके आऊंगा, प्रोफाइल फॉलो कर लेना। आंसर है दीव, इसका आंसर है दमन और दीव का दीव है। एक और क्वेश्चन देखें, बताइए नहीं कर रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बेंगलुरु मिशन 2022 ठीक है, रिसेंटली न्यूज में आया, ये किससे संबंधित, ये मिशन जो है बेंगलोर का 2022 का, ये किससे संबंधित, इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मिशन किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, पूछा जा सकता है, जल्दी से बताइए, है इंपॉर्टेंट, मिशन वाइज किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, किससे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है याद रखिए ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। बेंगलोर वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों के लिए ही मशहूर है ठीक है, हेल्थ और स्पोर्ट्स इन सब का ज्यादा फोकस नहीं है यहाँ पे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया। टेनिस प्लेयर जिसको पेरिस मास्टर टाइटल मिला, जल्दी से कौन से टेनिस प्लेयर है जो टेनिस प्लेयर मास्टर टाइटल से सम्मानित किए गए, जल्दी से पेरिस मास्टर टाइटल से सम्मानित किए गए ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सोल्व करो पहले, आंसर क्या बेटा, डेनियल मेडविल इसका आंसर है ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, डेनियल मेडविल इसका आंसर है। YouTube पे जब आप पढ़ रहे हो तो साथ के साथ अनअकैडमी पढ़ो, नए बैचेस लाइव है इस कोड पे बेटा, याद रखिएगा लाइव अमन रेफर कोड पे आपको सभी बैचेस लाइव है अनअकैडमी के 10% डिस्काउंट पे, याद रखिएगा 10% डिस्काउंट पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। रेफर कोड क्या है, लाइव अमन, मेरी फ्री क्लास का लिंक भी आप 10 बजे वाला इसी से नोटिफाई करो, कोर्स में लगाओ, इवन आप चाहे आप जो अनअकैडमी कॉम्पैक्ट उसमें लगाओ, सभी में डिस्काउंट अवेलेबल होगा आपको इस रेफर कोड से ठीक है। याद रखिए देखो गन्ने की जो जड़े होती है ना वो लाल कलर की होती है ठीक है, गन्ने की जड़े होती है ना जो एकदम रेड रूट होती है हमेशा, कारण क्या है, किसकी वजह से, बड़ा नया क्वेश्चन आ रही है, पूछा सकता है ठीक है, कमेंट करेगा कि भाई जो गन्ने की जड़े होती है वो लाल कलर की होती है, उसका कारण है, किस वजह से वो लाल कलर की होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा सकता है, आंसर क्या है, ठीक है चलो आंसर क्या बेटा, याद रखना गन्ने की जड़े लाल कलर की होती है, इसका कारण क्या है ठीक है, कोलेट्रोट्रेनियम फ्लेक्टम जो होता है उसके अंदर होता है ठीक है। आपको कहेगा सर ये क्या होता है, इसके लिए पूरी डिटेल पढ़ेंगे साइंस की, रात को 10 बजे लूसेंट सीरीज में आ जाओ, नहीं करना ये छोड़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई बिल्कुल सिंपल सा है कि ये हार्ट है, इसमें से बॉडी में जा रहा है कुछ ठीक है, बॉडी में जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा बताइए, किसके थ्रू जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसके थ्रू जाएगा, हार्ट से बॉडी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाना चाहिए, ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, याद रखना ठीक है किसके थ्रू जाएगा ठीक है, गलत लिखा हो ये, एरोटा के थ्रू जाएगा ठीक है, एरोटा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टिश्यू ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू इनटेक ऑफ लेड, हमारे शरीर का कैसा कौन सा भाग है जो लेड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब लेड का इंपैक्ट इसी पे पड़ता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, लेड का इंपैक्ट इसी पे पड़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेड का इंपैक्ट इसी पे पड़ता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रेन, दिमाग पे लेड का इंपैक्ट, देखो हमें जो ब्रेन डिसीज होती है ना वो लेड की वजह से होती है, लेड की वजह से हमें ब्रेन डिसीज हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ठीक है ठीक है, याद रखिए मैं सारे महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा ही 7 बजे ठीक है, फिक्स रखो अपना 7 बजे रात को और 9 बजे सुबह, इवन सुबह 9 बजे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम MTS की तैयारी करें ना अच्छे से 9 बजे तो हो सकता है ठीक है, दिमाग पर रखिएगा,
हाँ जी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हुक्स लॉ के लिए दे रखी है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सी स्टेटमेंट जो है हुक्स लॉ के लिए बिल्कुल करेक्ट दे रखी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा हुक्स लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ठीक है भाई, कौन से रिसोर्स हैं जो हमें हमारे बायोस्फीयर से ही मिलते हैं और इनमें जीवन होता है? ठीक है, इनमें जीवन होता है या हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से रिसोर्स हैं जिसपे जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और इनमें जीवन होता है, कमेंट करिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक। ठीक है, पूछा जा सकता काम का क्वेश्चन है भाई, हर एक बच्चा नोटिफाई करके 10 बजे जुड़ जाना यार। देखो मैं आज 2 घंटे पढ़ाऊंगा, स्टार्ट आज ही कर दूंगा मैं, है ना, लूसेंट सीरीज आज ही स्टार्ट कर दूंगा 10 बजे एग्जैक्टली। ये रेफर कोड है, इसको यूज करके जुड़ जाना, 10 बजे के लिए नोटिफाई कर लो, प्रोफाइल फॉलो कर लो। बायोटिक रिसोर्सेज का आंसर, विष्णुपुर फेमस है टेराकोटा टेम्पल के लिए कौन सी स्टेट में है? विष्णुपुर कौन सी स्टेट में, जल्दी से देखिए, टेराकोटा टेम्पल के लिए फेमस है और कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन आंसर क्या है बताएं, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर है। हिंडन एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज में आया, पूछा जाए भाई किस स्टेट से संबंधित है, किस स्टेट में बताइए, हिंडन एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए हिंडन एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। चलो आंसर क्या बेटा, याद रखना हिंडन स्पेट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में, हिंडन एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक बेटा, ये क्लास डेली स्टार्ट होता है 7 बजे और आज पहली क्लास समझिए, कल परसों तरसों डेली 7 बजे ही रखिएगा, इस टाइमिंग को फिक्स रखो, अपना समय निकाल के इस बजे आओ, मैं आपको शॉर्टी देता हूँ, मैं आपको जीके 20 दिन में पूरी सोल्व करा दूंगा, पूरे क्वेश्चन उठवा दूंगा इधर 20 से 30 दिन, मतलब ये मई का दिन जो है पूरा महीना दे दो एक बार जीके अगर कवर करनी है। ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने साल के लिए जो है बनाए जाते हैं, कितने साल का कार्यकाल होता है इनका, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने साल का कार्यकाल होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, अटर्नी जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है, नॉट डिसाइडेड, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए जी, इस क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू, पता है कौन सा टिश्यू का एग्जांपल है, उतक का उदाहरण कौन सा, कमेंट करेगा। ठीक, कौन सा उतक का उदाहरण पूछा जा सकता है, अब भाई उतक का उदाहरण कौन सा, ये आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कौन सा उतक का उदाहरण, ठीक है चलो, कौन सा उतक का उदाहरण याद रखिएगा, ब्लड। ठीक है, ब्लड इज द, ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं बड़े क्वेश्चन देख के छोड़ नहीं रहा हूं, बेटा मैं काम के क्वेश्चन जो है ना वो पूरे बड़े भी हो चाहे छोटे भी हो सब कराता हूँ। ठीक है, फालतू क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना चाहे बड़ा हो या छोटा हो। कल हम स्टैटिक जीके का थर्ड पार्ट करेंगे सारे के सारे 7 बजे। सब्सिडरी बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इनके सब्सिडरी बैंक बनाए गए थे, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर का, बीकानेर का, ये सब बनाया गया है। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत बनाएगा, किस एक्ट के तहत ये बैंक बनाए गए थे सब्सिडरी बैंक, अब रहे नहीं गए, अब सब्सिडरी बैंक को मर्ज कर दिया गया दोबारा, लेकिन बनाए गए किसके थ्रू थे याद रखिएगा, किसके थ्रू बनाए गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 के तहत बनाए गए थे, अब दोबारा सब्सिडरी बैंक को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, हु आर द मोस्ट सर्च पर्सनालिटी ऑन गूगल, लास्ट ईयर है ये। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, जॉय बिडेन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन जो है इंडिया में किस लोकेशन से, किस लोकेशन, कौन से रूट पे चलाई गई थी, कमेंट करिएगा, पहली पैसेंजर ट्रेन जो है कौन से रूट पे चलाई गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए, चलो बेटा याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बॉम्बे से थाने चलाई गई थी। अब कोई बोले सर बॉम्बे से थाने तो दूसरा है,
बेटा ट्रेन पहली बॉम्बे से थाने थी और पहली पैसेंजर ट्रेन भी बॉम्बे से थाने थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ज्यादातर पूछे जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है चलो और सोल्व करो क्वेश्चन। ठीक है पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है शुरू कर दो पढ़ना लिखना भाई। पहले बता रहा हूं टाइमिंग फिक्स कर लो 7 बजे और 10 बजे, लूसेंट 10 बजे और 7 बजे ये क्लास। ठीक है पढ़ना लिखना अभियान जो है किस प्रोग्राम, किस स्टेट का प्रोग्राम है, जल्दी से बताइए पढ़ना लिखना अभियान किस स्टेट का प्रोग्राम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलो दिमाग में रखो पढ़ना लिखना अभियान केरला का प्रोग्राम, किसका, केरला का। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है केरला वालों ने, इसलिए पढ़े लिखो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया वहां पे। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 4th एडिशन हुआ था, हुआ था बिल नहीं है, हो गया है। ठीक है अब ये कहां पे हुआ, जल्दी से बताइए महाराष्ट्र जीता हुआ कहां पे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम 4th एडिशन कहां पे हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या है बेटा, याद रखिए हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र जीता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा यूनिट है, बताइए रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा यूनिट है, विच इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सा यूनिट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है चलो बेसिक है, हेनरी बेक्यूल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट दिया गया था ना, हेनरी बेक्यूल के द्वारा, तो हेनरी बेक्यूल इसका आंसर है। ठीक है दिमाग रखिए हेनरी बेक्यूल इसका आंसर है, क्योंकि हेनरी बेक्यूल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक क्या रहा अकॉर्डिंग टू, ठीक है PHDI, जल्दी से बताएगा इंडिया का रैंक क्या रहा, जल्दी से बताएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है इंडिया का रैंक क्या रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए सोल्व करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, जल्दी से बताइए, आंसर है 123 रैंक रहा इंडिया का। ठीक है 123 रैंक रहा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, ठीक है हल्का सा बफरिंग हो रहा है क्लास में, लेकिन क्लास पूरी देखो। ठीक है बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजियसली मेड कलर फिल्म, ठीक है पहली भारत के द्वारा बनाएगी, अब ये पहली भारत के द्वारा बनाएगी कलर फिल्म की बात है। ठीक है सिर्फ आपसे ऑडिबल और वो सब नहीं पूछा जा रहा है, कलर फिल्म है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है बड़ी फेमस मूवी थी, ठीक है बताइए कलर फिल्म कौन सी है, पहली भारत के द्वारा बनाएगी कलर फिल्म कौन सी, आंसर क्या इस क्वेश्चन। ठीक है याद रखना आंसर है किशन कन्हैया, किशन कन्हैया सुना है, किशन कन्हैया मूवी देखी है सभी ने, ठीक है बड़ी फेमस है भाई ये, ठीक है मूवी है। सेबी सजेस्टेड द नॉर्म फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है अब इसने सेबी ने जो कमेटी बनाएगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्म्स को जानने के लिए, उसके हेड कौन थे बताइए। अच्छा क्वेश्चन, करंट अफेयर हो साइंस हो जीके हो सबकी तैयारी एक जगह शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे, इवन कल संडे है कल भी 7 बजे ही होगी क्लास, परसों मंडे 7 बजे ही होगी, हर दिन क्लास जो यूट्यूब पे रात को होगी वो 7 बजे होगी। 5 बजे का लूसेंट मैंने 10 बजे पे शिफ्ट कर दिया है, लूसेंट सीरीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे पूरा अपडेटेड 10 PM पे अनअकैडमी पे, पूरी फ्री क्लास होगी, आज आके देख लेना 10 से 12 पढ़ा दूंगा, ऐसा लूसेंट आ जाएगा मजेदार सवाल। ठीक है सर लिंक ऊपर दे रखा नोटिफाई करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, सेबी की कमेटी हेड कौन रहे, ठीक है याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पूछा सकता है ईशान हुसैन इसका आंसर है। आयोडीन टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, कमेंट करिए आयोडीन टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताओ सोल्व करो आंसर क्या, आयोडीन टेस्ट जो है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए सारे के सारे। आयोडीन टेस्ट जो है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने का बेसिक क्वेश्चन है। नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है किस, मतलब इस बार का जो थीम था लास्ट ईयर का वो क्या रहा था, नेशनल वोटर्स डे का लास्ट ईयर का थीम क्या रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। ठीक है नेशनल वोटर्स डे का लास्ट ईयर का थीम क्या रहा था, याद रखना आपके ना कंप्लीट बैचेस भी लाइव हो रहे हैं, 5 मई से पूरी टीम सफलता बैच में पढ़ाएगी, SSC की गारंटी देता हूँ, सिलेक्शन करवा दूंगा इस रेफर कोड का, ठीक है यूज करिए लाइव अमन और 5 मई वाले बैच में जुड़िएगा। इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है
देखिए कल्चरल मिनिस्ट्री को ना लंदन ने एक ब्रोंज आइडल दिया, ठीक है, मूर्ति कह लो, और वो कल्चरल मिनिस्ट्री ने कौन सी स्टेट को सौंपी है बताइए। लंदन के द्वारा जो दी गई है मूर्ति, ठीक है, ब्रोंज की, ठीक है, वो जो है कौन सी स्टेट को सौंपी गई, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा सारे के सारे। बेटा नेक्स्ट क्लास 10 बजे होगी, जो टाइम टेबल पूछ रहे ना, तमिलनाडु का आंसर अनअकैडमी पे लिंक दे रखा है। इसमें से कौन सा पानी में सोल्यूबल नहीं है बताइए, इसमें से कौन सा पानी में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, पानी में सोल्यूबल कौन सा नहीं बेटा, याद रखना पोटेशियम सल्फेट पानी में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, बाकी सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली होगा, ठीक है, CuOH होल ट्वाइस होगा, सिल्वर नाइट्रेट होता ही है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट नहीं होता। देखो कौन सा एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में, क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा एंजाइम है, ठीक है, बताइएगा। अरे जरा बंद हो जाओ, कौन सा इसमें से एंजाइम है जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं किस एंजाइम के यूज करके, जाइमेस, जाइमेस। एक और क्वेश्चन देखो, क्राउन प्रिंस एक्शन जो है फर्स्ट इन लाइन ऑफ हेयर जो बने किस देश के, अब यार नाम से पता चल रहा है किस देश के होंगे, ठीक है, अभी मैंने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया, ठीक है, अभी मैंने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया, अब आप आंसर बताइए ये क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है जापान, ठीक है, जापान इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज गिवन अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये नेशनल डाटाबेस बनना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि भाई अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है उनका भी डाटाबेस होने, अनऑर्गेनाइज का कोई डाटा ही नहीं होता कि भाई कितने अनऑर्गेनाइज है, इसलिए ये किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या बेटा, याद रखेंगे आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका आंसर है। ठीक है, देखो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे शरीर को ना गर्म रखने में हेल्प कर पाए, हम इतने बड़े क्वेश्चन को एक अपने तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये सब चीजें आप सिर्फ मेरे साथ 7 बजे और 10 बजे सीख सकते हो। ठीक है, कि हम ऐसे बड़े क्वेश्चन कितना आसानी से पढ़ लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कि भाई मैमल में स्किन में ऐसा क्या होता है जो कि क्या उसे गर्म रखता है, तो इसमें स्वेट ग्लैंड लिखा हुआ है। ठीक है, लिम्फ वेसल नहीं है इसका आंसर, स्वेट ग्लैंड है, 100% श्योरिटी है, मार्क गलत हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिम्फ वेसल नहीं है, स्वेट ग्लैंड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा IIT है जिसने IIT NIT जिसने हार्वेस्ट वाटर हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी यूज करी है, एयर से वाटर हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी जो है बनाई है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक कौन सा इसमें से इंस्टीट्यूशन IIT NIT जिसने एयर से वाटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाटर हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी बनाई है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिएगा सारे के सारे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का IIT गुवाहाटी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें, विच बैंक हैज लॉन्च स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, HDFC बैंक इसका आंसर है। Who can make extra territorial legislation among the following? देखो extra territorial legislation होता है, जैसे मान लो कहीं पे कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, अब उस कानून से हटके कुछ कानून बनाना है तो वो कौन बना सकता है, जैसे मान लो इंडिया में जो इधर कानून है वो समुद्री एरिया में चलेगा, ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये कानून कौन बनाएगा बेटा, याद रखिएगा संसद बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संसद बनाएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता हूँ। Who among the following proposed the five kingdom classification theory 1939 में थ्योरी किसने दी थी, कमेंट, 1939 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था बेटा, क्लास ना पूरी करो, जैसे अगर मान लो आप 7 बजे आप हैबिट बना लो ना, तो मैं आपको छोटी देता हूँ, जीके की कवरेज इधर ही हो जाएगी। ठीक है, बस आपको एक लूसेंट क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि लूसेंट अलग से पढ़ना जरूरी पड़ता है,
10 बजे लूसेंट का लिंक लगा दिया है, रेफर कोड बता दिया है, नोटिफाई कर लेना 10 बजे आज जुड़ जाना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? RH प्रेस का आंसर एकदम क्वेश्चन देख। ठीक, ब्रेन की एक्टिविटी हम किसमें रिकॉर्ड करते हैं? हार्ट की हम करते हैं ECG में, तो ब्रेन की किसमें करेंगे बताइए? ब्रेन की एक्टिविटी हम किसमें रिकॉर्ड करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए। ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी किसमें रिकॉर्ड की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो जैसे हार्ट का ECG होता है ना, वैसे ब्रेन का EEG होता है। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे ही ब्रेन का क्या होता है? EEG होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये नहीं करना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इन एडेप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एयर कैविटी किसमें? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वाटर प्लांट्स में एयर कैविटीज होती हैं। ठीक है, वाटर प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एयर सैक होता है। ठीक है, उससे उगते हैं। अगर मैं सुंदरवन डेल्टा के प्लांट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक, स्टोमेटा होता है कुछ गार्ड सेल से छुपा हुआ। ठीक है ना, और ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है बताइए? किस पे डिपेंड करती है? अच्छा क्वेश्चन, ठीक, किस पे डिपेंड करती है याद रखिएगा। आंसर इस क्वेश्चन का, एंडोस्मोसिस पे डिपेंड करती है। ठीक, बताइए ऑस्टोसाइट जो है ये किस पे पाए जाते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बेटा याद रखना, ये 7 बजे ही मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो सारा कवर करा लूंगा इस क्लास में। ठीक है, रेगुलर होगा, सारा कवर होगा। आंसर इस क्वेश्चन का हड्डियों में होता है। ठीक है, ऑस्टोसाइट जो है हड्डियों में होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, दो वेक्टर मान लो, फोर्स के दो वेक्टर हैं F1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी F2 है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? किस कंडीशन में दोनों वेक्टर इक्वल होंगे बताइएगा? किस कंडीशन में दोनों वेक्टर इक्वल माने जाते हैं कमेंट करिए। वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? डेली 7 बजे इसी चैनल पे, 7 बजे और 10 बजे अनअकैडमी पे लूसेंट सीरीज पहली क्लास। ठीक है, आंसर क्या? देखो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा तभी तो ना वेक्टर सेम होगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही यही है ना। ठीक है, दिमाग पर रखिए, वेक्टर का मतलब ही यही है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वही चीज लिखी हुई है, पूछा भी वही है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे? जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, एक काम कर लेना, ठीक है, आपके ठीक है हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, पहले तो नोटिफाई कर लेना लूसेंट सीरीज को, 10 बजे होगी क्लास आज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ना, एक बार यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी सर्च करना, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार यूट्यूब पे सर्च करो सिर्फ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आपको सबसे ऊपर एक 6 घंटे का मैराथन मिलेगा, वो मैंने पढ़ाया आपको यूट्यूब पे, एक बार देखना उसको स्टार्ट ओपन करके। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, दोनों का मैग्नेट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नेशनल आयुर्वेदा डे जो है, इसका थीम क्या रहा राष्ट्रीय का? आयुर्वेदा फॉर COVID-19। चलो एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड विल बिकम यूजलेस? अगर पानी एयर के एक्सपोजर में आ जाए तो कौन सी जो है, जो लकड़ी है वो यूजलेस हो जाएगी बताइए? ठीक, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए बेटा? रामकृष्ण कहां पे खोए हो भाई? ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, टेंशन ना लो इतनी। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? कौन सी लकड़ी जो है अगर एयर के एक्सपोजर में खराब हो जाती है? याद रखना, एक ऑप्शन दे रहा है डी, गीली मिट्टी। अगर भाई गीली लकड़ी की अगर मैं बात करूं ना, गीली लकड़ी अगर एयर के एक्सपोजर में आए वो ऑब्वियसली खराब हो जाती है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाएगा बताएगा? हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन किसमें होगा कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर के। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? भाई 1-1.5 घंटे से आपको पढ़ा रहे और आप कह रहे हो आप लाइव नहीं है, बड़े बुरे हाल है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिए, सोयाबीन। एक और क्वेश्चन देखिए, द विटामिन विच हेल्प इन क्लोटिंग द ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, देखो सी लिखा हुआ, मैं बस सी का के कर दू, बाकी तो क्लोटिंग का साउंड तो प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही लगेगी, है ना, तो के इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द साइड ऑफ डीएनए लेटर मेड ऑफ? देखो अगर मैं इस डीएनए की बात करूं, क्वेश्चन अच्छा है,
ये डीएनए है और इसमें लेटर्स जो होते हैं ना वो किसके बनते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये लेटर्स किसके बनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये लेटर्स किसके बनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है जी, आंसर है इसका शुगर और फॉस्फेट के बनते हैं, शुगर और फॉस्फेट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बेटा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है फुल, ठीक है कह रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या है जो एनर्जी देता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं अपना पूरा शेड्यूल ना क्लास के एंड में स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 7 बजे ये होगी जो डेली कराऊंगा, और 10 बजे लूसेंट सीरीज जो आज ही स्टार्ट करा रहा हूँ पहली क्लास होगी लूसेंट की, और 2 घंटे पढ़ाऊंगा आज। आज मैं 300 क्वेश्चन लेके आया हूँ लूसेंट के, जो मैं आपको आज ही 10 बजे पढ़ा दूंगा, ऊपर लिंक लिया हुआ है, तसल्ली से 10 बजे जुड़ जाना। आंसर क्या है, फैट इसका आंसर है, फैट से भी एनर्जी मिलती है। कोल्ड ब्लडेड कौन सा बताइए, कौन सा इसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जल्दी से देख कौन सा इसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, इसमें से कछुआ कोल्ड ब्लडेड है, एक क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई बताइएगा, इसमें से डीएनए में जो टेमिडाइन डाइमर फॉर्मेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, कौन सी रेडिएशन है जिसके थ्रू जो है, ठीक है दिमाग रहे, टेमिडाइन डाइमर फॉर्मेशन होता है डीएनए में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़े खतरनाक क्वेश्चन में से एक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से, ठीक है डीएनए में, ठीक है थायमेडाइन डाइमर फॉर्मेशन होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से, अब ये खत्म हो गया चेचक, ठीक है नो मोर इन इंडिया, तो स्मॉल पॉक्स होता किसकी वजह से था, ये था कहेंगे ना हम, सिंपल सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है याद रखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वायरल वायरस इसका आंसर है। ठीक है, वायरल वायरस इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। अब रिसिपिएंट कह रहा है यूनिवर्सल रिपीटेशन, अब भी आसान है, एक्सेप्ट करने वाला रिसीव ही करता है ना, मैंने अभी आपको बताया एबी प्लस है ना, क्वेश्चन सोल्व करो एक बार बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है चलो, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ए बी है, रिसीव करने वाला ए बी हुआ, सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखो इन ह्यूमन स्केलेटन एग्जामिनेशन, इंसान में हम जो हड्डियों का एग्जामिनेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं बताइए, किसके लिए हम इंसान में हड्डियों का, एक बार ना कमेंट बॉक्स पे लिख दो सारे के सारे बच्चे, जो जो बच्चा डेली 7 बजे आने वाला है, मतलब इस चैनल पे एग्जैक्टली 7 बजे, बस आपको वाईफाई स्टडी सर्च करना है, 7 बजे मेरा सेशन जरूर मिलेगा। जो बच्चा आने वाला है डेली, मैं जिसकी अश्योरिटी लेता हूं कि मैं आपको आपको जीके यहां पे कवर कराऊंगा पूरी विद करंट अफेयर। ठीक है, कौन कौन सा बच्चा आने वाला है डेली बेसिस पे, वो एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख देना, और साथ के साथ 10 बजे कौन आ रहा है, रेफर कोड यूज कर लेना। ठीक है, जल्दी से यस और नो का कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर है इंटरनल एज, इसका आंसर जल्दी से यस और नो का कमेंट करिएगा सारे के सारे। हाँ जी, 15th ईस्ट एशिया समिट जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो है कौन से मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको 7 बजे सब कुछ मिले और 10 बजे सब कुछ मिले इन दो क्लासेस। ठीक है, याद रखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है एस जयशंकर। ठीक है, दिमाग पर रखिए, एस जयशंकर इसका आंसर है ना, मेरी तरफ से पूरे एफर्ट रहेंगे इस क्लास में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो हमारे शरीर में हमारे जो मसल्स मांसपेशियां होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है, कमेंट करिएगा इसमें से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, कमेंट करिएगा हमारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर एक्टिन और मायोसिन इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक, कमेंट करिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक,
आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, ये क्लास होगी आज, ये लूसेंट सीरीज है, रात को 10 बजे कराऊंगा, फ्री हो रही है अनअकैडमी पे। आपके पास इतना मौका है कि आप 5000 क्वेश्चन लूसेंट के कर सकते हो 10 बजे आके, आज से ही स्टार्ट कर देंगे। आज 2 घंटे की क्लास है पहली क्लास, ठीक है? आज 2 घंटे की क्लास है, लिंक दे रखा है, रेफर कोड ये, ठीक है? नोटिफाई कर लेना तब फायदा होगा। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेना। आरबीसी आर फॉर्म इन एडल्ट, ठीक है? जो अगर आरबीसी किसमें बनते हैं, वो बनते हैं रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है? रेड बोन मैरो में बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है? बोन मैरो में बनते हैं, रेड को ऐसे जबरदस्ती लिख दिया है कि भाई यहाँ रेड है, ठीक है? यूनेस्को के द्वारा कौन सी कैपिटल को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया था लास्ट ईयर? बताइएगा, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया था लास्ट ईयर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया था लास्ट ईयर, ठीक? कौन सी शहर को, कौन से शहर को, बड़ा फेमस शहर है, ठीक है? नेचुरल एनवायरमेंट डिस्कशंस के लिए, एनवायरमेंट समिट के लिए सबसे पहला शहर, आंसर है रायो डी जेनेरियो, ब्राजील। एक और क्वेश्चन देखिए, इन सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा नमक कौन कंज्यूम करता है? मतलब नमक कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खाता? खतरनाक क्वेश्चन हो गया, गजब क्वेश्चन हो गया, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए बताइए, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम करता है? खतरनाक सा ही क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन लगा मुझे। चलो जी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए आंसर इस क्वेश्चन, कैमल, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियल डिसीज किसमें होती है? इसका आंसर ना, ये यार इसमें ना गलत दे रखा है ह्यूमन, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। बैक्टीरियल डिसीज सभी में होती है, ठीक है? बैक्टीरियल डिसीज सभी में होती है, एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, सभी में होती है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, आंसर गलत है इसका, छोड़ो। फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ओजिंग जो ट्री है वो कौन सी स्टेट में पाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पहला ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री जो है कौन सी स्टेट में पाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आप लिंक नोटिफाई कर लेना, मैं आपको अपना शेड्यूल दिखा दूंगा, फाइनल है ना, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आसाम है, फिर आप 10 बजे जुड़ना मेरे साथ, ये फाइनल क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको अपना शेड्यूल दिखा देता हूँ, फिर हम 10 बजे जुड़ेंगे बेटा, याद रखना, मैं आपको 10 बजे का लिंक दे चुका हूं, नोटिफाई आप इस रेफर कोड से करोगे, और 10 बजे जुड़ना है आज सभी, ठीक है? आंसर क्या, आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग आर नोन एज द पटाऊ पेंटर्स, गजब नाम है, ठीक है? मैं आपको अपना शेड्यूल भी फाइनल दिखा देता हूँ, पटाऊ पेंटर्स का आंसर क्या बेटा, याद रखेगा पटाऊ पेंटर्स का क्या होते हैं, ठीक है? आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है? काली घाट के पेंटर्स, ठीक है? दिमाग रखिए, काली घाट के पेंटर्स जो है ना पटाऊ पेंटर्स होते हैं, बड़ा प्यारा नाम है यार, ठीक है? चलो, जो भी बच्चा देख रहा है ना, ऊपर जो लिंक दे रखा है, ऊपर जो लिंक दे रखा है उसे नोटिफाई करो, ठीक है? उसे नोटिफाई करो, ठीक है? हर एक बच्चा ऊपर जो लिंक दे रखा है, रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, ठीक है? सारे पहले नोटिफाई कर लो, और क्लास देखना, नोटिफाई का फायदा तभी है जब आप इस क्लास को देखो, ठीक है? 10 बजे वाली क्लास देखनी है, नोटिफाई तभी करेगा। 7 बजे ये क्लास रेगुलर है, यही मेरा शेड्यूल है, यही मेरी दो क्लासेस हैं। 7 PM यूट्यूब पे, कल भी पढ़ोगे तो 7 बजे ही वाईफाई स्टडी पे पढ़ना, अनअकैडमी पढ़ो तो 10 बजे ही पढ़ना रात को। तो आज 7 बजे 10 बजे क्लास ले रहा हूं, रेगुलर क्लास। रेफर कोड क्या यूज करना बेटा, याद रखना, फ्री क्लास को नोटिफाई करने के लिए लाइव वुमन रेफर कोड यूज करना, ठीक है? याद रखिएगा, लाइव वुमन रेफर कोड यूज करना। तो सारे अभी 10 बजे जुड़ो, और फिर कल भी क्लास होगी 7 बजे, ठीक है? याद रखिएगा, और याद रखना, मेरी पूरी टीम और हम पूरी टीम के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब अनअकैडमी के नए बैचेस प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है? दिमाग पर रखिएगा, आप इन बैचेस में जरूर जुड़े, ठीक है? पूरे संकल्प बैच हैं, ठीक है, जिनमें आप जुड़ सकते हो, 5 मई से लाइव, ठीक है? अब यार बैचेस का फायदा क्या है बेटा, बैचेस के बहुत सारे फायदे होते हैं, फुल कवरेज होती है, ठीक है? पूरी कवरेज हम इसमें करने वाले हैं, पूरी टीम पढ़ा रही है, बेस्ट एजुकेटर जो अपने सब्जेक्ट के हैं वो सारे आपको पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है? चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है? याद रखिएगा, क्या करना है आपको, बस रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन, इस रेफर कोड को यूज करके SSC गोल में जोड़ना है, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना है, मन सिलेक्ट करना है, और रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन। चाहे फ्री क्लास लेनी हो, चाहे आपको प्लस क्लास लेनी हो, चाहे आपको SSC कॉम्बैक में जुड़ना हो,
अनअकैडमी कॉम्बैक को जोड़ा, रेफर कोड एक ही यूज करिए लाइव अमन, ठीक है। बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। याद रखिए मिलते हैं 10 बजे आप सभी से, हर एक बच्चा नोटिफाई कर लो, मिलते हैं 10 बजे आप सभी से, फिक्स टाइमिंग है ये, मेरा शेड्यूल है 10 बजे की क्लास अभी हमारी होने वाली है, ठीक है। याद रखिए 10 बजे की क्लास अनअकैडमी की होने वाली, स्क्रीनशॉट कर लो सर, ठीक है। ये फिक्स टाइमिंग है तो मैंने शेड्यूल दिखा दिया आपको, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। सभी स्क्रीनशॉट मार लो यार, है ना, देख लो अपना नया शेड्यूल है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट 7 बजे वाईफाई स्टडी पे ये क्लास, और अनअकैडमी पर आपको लूसेंट सीरीज 10 बजे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये मेरा शेड्यूल है, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, है ना, जल्दी से देख लो, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लो सारे के सारे, है ना, सही रहेगा। चलिए जी मैं हटा रहा हूं, लिंक को ओपन करो, नोटिफाई करो, मिलते हैं आप सभी से, लिंक को ओपन कर लो एक बारी, है ना। धन्यवाद, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। बेटा क्लास को कैसे ज्वाइन करना है आपको, ना लिंक को ओपन करना है, लिंक को ओपन करके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, लाइव अमन लगा देना, फिर अपना क्लास को नोटिफाई करें, 10 बजे फिर क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक।